हेलो फ्रेंड्स, और कैसे हो आप सब। आज जर्मनी की एक सिटी फ्रैंकफर्ट में दशहरा सेलिब्रेट होने जा रहा है। जनरली आपको जर्मनी में इतने बड़े लेवल पर कोई भी इंडियन फेस्टिवल सेलिब्रेट होता नहीं दिखाई देगा, इसलिए मैं वहां जाने के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूं। स्लोली यहां पर इंडियन कम्युनिटी बढ़ती जा रही है, तो इस तरह के बड़े इवेंट्स भी प्लान होने लगे हैं। तो गाइज, वहाँ पर जाकर आपको देखने को मिलेंगी तरह तरह की डिफरेंट डांस परफॉर्मेंसेस, खाने को मिलेगा लाजवाब इंडियन फूड, और ऑब्वियसली रावण दहन तो होगा ही। तो गाइस, मेरा नाम है राम। विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फ्रेंड्स, अब अपनी कार पार्क करके मैं दशहरा मेला में एंटर हो चुका हूँ। यहाँ पर सामने अभी रावण बन रहा है, एक बार मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आते आते 2:30 बज गए हैं और मुझे लगी है बहुत ज़ोरों की भूख। तो सबसे पहले जाकर यहाँ पर इनके फूड कोर्ट को ही एक्सप्लोर कर लेते हैं और देखते हैं कि हमें यहाँ पर क्या क्या खाने को मिलता है। वो कहते हैं ना, सबसे पहले पेट पूजा, उसके बाद काम दूजा। फ्रेंड्स, खाना खाकर बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। वही सेम इंडिया वाला ऑथेंटिक टेस्ट था। फूड कोर्ट के साथ में ही राइट साइड पर यहाँ पर एक इंडियन बाज़ार लगा हुआ है। वहाँ पर आपको अगर मेहंदी वगैरह लगानी है, क्योंकि कल करवा चौथ है, तो वो भी आप कर सकते हो। साथ ही साथ आपको अगर आर्टिफिशियल ज्वेलरी या इंडियन सूट्स वगैरह परचेज करने हैं, उसके काउंटर्स भी यहाँ पर लगे हुए हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर इतनी ज़्यादा भीड़ है, कम से कम 2-3 हज़ार बंदा तो होगा ही। मुझे पता नहीं था कि फ्रैंकफर्ट में हमारी इंडियन कम्युनिटी के कितने ज़्यादा लोग रहते हैं। मैं 360 डिग्री का व्यू आपको दिखाता हूँ, आप देखो। वहाँ पर सामने रावण है। रावण जलाने में अभी थोड़ा टाइम है, तब तक हम लेफ्ट साइड में यहाँ पर जो इन्होंने स्टेज बना रखा है, वहाँ पर जाके जो परफॉर्मेंसेस वगैरह हो रही हैं डांसेस की, वो एंजॉय करते हैं। दोस्तों, अगली परफॉर्मेंस में माँ दुर्गा और महिषासुर का युद्ध दिखाया जा रहा है, तो चलिए अब इसका आनंद लेते हैं।
Thank you.
यहाँ पर बच्चों के लिए भी खेलने की व्यवस्था की हुई है। सो फ्रेंड्स, अमेजिंग परफॉर्मेंसेस और गरबा देखने के बाद अब बारी आ गई है रामलीला की। यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे बहुत ही अच्छे तरीके से रामलीला को दिखा रहे हैं, तो चलिए इसे भी इंजॉय कर लेते हैं। तो अब सब लोग रावण दहन के लिए इकट्ठा हो चुके हैं और ईगरली वेट कर रहे हैं कि कब रावण दहन होगा। जैसा कि आप देख सकते हो, अब भीड़ पहले से भी ज़्यादा बढ़ गई है। धीरे धीरे।
जय जय श्री राम। तो फ्रेंड्स, एक बहुत लंबे इंतज़ार के बाद रावण दहन फाइनली हो चुका है विद अ मैसेज कि बुराई पर हमेशा अच्छाई की जीत होती है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।